मैं जानता हूँ बेटा, अपनी पूरी जिंदगी इस घर में गुजारने के बावजूद भी आज तो अपने आप को यहाँ पराया महसूस कर रही है। मैं जानता हूँ सदमा, और ये घर तुझे अजनबी इसलिए लग रहा है क्योंकि तुझे उस घर की आदत पड़ चुकी है। लेकिन वो घर घर नहीं था बेटा, ईंट पत्थर का आडंबर था वो। ये घर तेरा अपना। हाँ बेटा, और मेरे होते हुए तुझे यहां किसी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तो एकदम ठीक है ना जी? अजी अलेख, अलेख, एक बात हमेशा याद रखना कि तुम्हारी माँ जो भी करती है ना, इस परिवार के भले के लिए करती है। तुम दोनों बेटे हमारे गुरूर ही नहीं, हमारे जीने की वजह भी हो। हम ऊपर से सख्त जरूर नजर आते हैं, लेकिन अंदर से हम बिल्कुल टूट गए। रणवीर जेल में कैसे जी रहा होगा, ये सोचकर ही हमारी ममता छलनी हो जाती है। लेकिन अलेख, हम नहीं चाहते कि तुम टूट जाओ, क्योंकि अगर तुम कमजोर पड़ गए ना तो हम बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। अलेख, हमें तुम्हारी जरूरत है। अलेख, नहीं मम्मा, मैं कैसे टूट सकता, मुझे तो अभी लॉयर को मिलने जाना है ना। मम्मा, मैं बस रणवीर को जेल से निकलवाना चाहता हूँ, बस। अलेख,
मम्मा पापा से पूछ लीजिए कि यही फाइल लेके जानी है ना, मैं भी दो मिनट में तैयार होके आता हूँ। देख लिए अपने बाबूजी के तेवर, साधना के सामने हमें जलील कर दिया। देखो मालती, घर के झमेलों में ऑफिस के लिए बहुत देर हो चुकी है मुझे, दोपहर हो गई है, अभी तक यहीं हूँ। ऑफिस में कितना काम पड़ा है, प्लीज दोबारा से शुरू मत हो जाओ। मैं तो बस साफ साफ शब्दों में यही कहना चाहती हूँ कि कुछ करो, ठीक है? मैं अपने मुन्ने को भीड़ भड़ाके में रहने नहीं दूंगी। अगर तुमसे कुछ नहीं होता तो मुझे कह दो, मैं ही ढूंढ लूंगी घर, और अगर नहीं तो मुझे मेरे मायके भेज दो, कम से कम मैं चैन से तो रहूंगी। झूठ तो मैं बोलती नहीं, अब ये रोज रोज की दोस्त मुझसे सही नहीं जाती। हाय राम, जरा देखो तो मेरा मुन्ना सुबह से मुस्कुराया भी नहीं है। ठीक है बाबा, प्रॉपर्टी डीलर से बात कर लूंगा। किस लिए? घर देखने के लिए? नहीं, रेट पता करने के लिए। अरे किस इलाके में क्या रेट चल रहा है पता तो करना पड़ेगा ना। मेरा मतलब है तुम सच में घर छोड़ने के लिए तैयार हो ना? कुछ तो करना ही पड़ेगा, दुखी हो गया रोज रोज की किट-किट से। वैसे भी इस घर में रहना मुश्किल हो गया। झूठ तो मैं बोलती नहीं, लगता है अब मेरी बातों का असर होने लग गया है। चलो अच्छा है, साधना के बहाने मेरा काम तो बन गया है ना मुन्ना। हाँ जी, काफी देर हो चुकी है, सबने खाना खा लिया है, आप भी खा लीजिए। मुझे भूख नहीं। जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए आप अपनी सेहत क्यों बिगाड़ रहे हैं? अच्छी सेहत सिर्फ खाना खाने से नहीं बनती है। घर का माहौल जब ऐसा हो तो ये चार निवाले क्या कर लेंगे। सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब आपकी अपनी पत्नी ही आपके फैसले में आपका साथ ना दे। क्या आपका मेरा हमारा यही रिश्ता रह गया कौशल्या जी? ना ना, बेहतर होगा कि आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। क्या मैं नहीं जानता हूं कि मेरी बच्ची ने कुछ नहीं खाया, भूखी? जब मेरी बच्ची भूखी बैठी हो तो ये निवाला मेरे मुंह के नीचे कैसे उतरेगा? परोसा हुआ खाना छोड़कर जाना अन्न का अपमान होता है। जिस घर में इंसानों का ही मान ना रहा हो आप अन्न के अपमान की चिंता क्यों कर रही हैं? चल बेटा खाना खा ले। नहीं मामा जी, आपने भी तो नहीं खाया होगा ना।
और आपको तो दवा भी खानी, आप खा लीजिए। ना, पहले तू खा ले, बाद में मैं भी खा लूंगा। पता नहीं आलिची ने खाना खाया भी होगा या नहीं। अरे आलिक, तुम्हें तो बड़ी हिचकी आ रही है, जरूर कोई मिस कर रहा होगा। मैंने खा लिया मम्मी, एक्सक्यूज मी। चाहती क्या है? राजवंश परिवार को तुम बिखेर चुकी है, अब क्या इस घर की बारी है? तेरा मन कभी तुझे कचोटता नहीं है क्या? तेरे कारण आज सारे रिश्ते टूट रहे हैं, और आज तो तुमने इस घर के सबसे मजबूत रिश्ते पर वार किया है। मेरे पति हमारे इस रिश्ते की सच्चाई पर सवाल उठा रहे हैं, मुझ पर आरोप लगा रहे हैं कि मैं सही जीवन साथी नहीं हूं। अरे, किसी का सुख चैन छीनने के अलावा तुझे कुछ आता भी है? मिल गई ना शांति तुझे? कहा ना, ये बहू थी लेकिन अब ये हमारे लिए कुछ नहीं है। बहू के नाम पर दुश्मन पालने का कोई शौक नहीं हमें। मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहूंगा कि मेरे परिवार की खुशी के लिए मेरे मम्मा की मन की शांति के लिए तुम यहां से चली जाओ। साधना, जब तक तुम मेरे सामने हो मेरा कुछ भी ठीक नहीं होगा। साधना, क्या मेरी जिम्मेदारी है? क्या मेरी अपनी कोई जिंदगी नहीं? साधना इसी घर में रहेगी। कौशल्या जी को मेरा ये फैसला रास नहीं आता तो मैं ये घर छोड़ने को तैयार हूं। मामी जी ठीक कह रही, सारी बुराई की जड़ मैं ही हूं। मेरी वजह से सारे रिश्ते टूट रहे, मुझे यहां से जाना ही होगा। Thank you.
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।